यूपी मुजफ्फरनगर जिले में स्थित श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 3 दिन तक चले फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम में रैंप पर मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनकर रैंप पर आने को लेकर जमीयत उलेमा ने एतराज जताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जमीयत उलेमा के जिला संयोजक ने बुर्के को फैशन शो में शामिल करने के लिए विरोध जताते हुए कहा कि कॉलेज को ऐसे धार्मिक वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। उधर कॉलेज ने कहा कि छात्राओं ने अपने बनाए बुर्कों में शालीनता से रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, इस पर किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल शहर के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी सहित विभिन्न मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी रैंप पर कैटवॉक कर डिजाइनर परिधानों का प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बीएफए की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने बुर्का और हिजाब पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। इसकी वीडियो वायरल हुई तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने बुर्के में कैटवॉक कराने पर एतराज शुरू कर दिया। जमीयत उलेमा मुजफ्फरनगर जिला संयोजक मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि बुर्का मुस्लिम महिलाओं की आन बान शान है, बुर्का किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। बुर्का सिर्फ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि फैशन के लिए। जिन बच्चों एवं उस्तादों ने श्रीराम कॉलेज में ये कार्यक्रम कराया, कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे मजहब के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। इस तरह के कार्यक्रम से कॉलेज को परहेज करना चाहिए। आइंदा ऐसा किया गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर श्रीराम कॉलेज में बुर्का और हिजाब में कैटवॉक करने वाली 13 छात्राओं की डिजाइनर छात्रा सालेहा का कहना है कि बुर्का हमारा पर्दा लेकिन यह फैशन भी बन सकता है। उनके विभाग के विभाग अध्यक्ष मनोज धीमान ने कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैंने अपनी मुस्लिम बहनों के लिए यह निर्णय लिया कि बुर्के को फैशन का रूप दिया जाए। बुर्के में कैटवॉक करने पर पहले तो मेरे मन में डर था, लेकिन बुर्के में कैटवॉक कर अच्छा अनुभव मिला। देवबंद के गांव गोपाली निवासी छात्रा अलीना का कहना है कि फैशन शो में सब शॉर्ट ड्रेस तैयार कर रही थी, लेकिन हमने अपनी मुस्लिम बहनों के लिए बुर्के में फैशन निकाला है, ये हमारी उपलब्धि है। श्रीराम कॉलेज ऑफ ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर SSC कुलश्रेष्ठ ने बताया कि रैंप पर आने वाली बच्चियां यही की छात्राएं हैं। छात्राओं द्वारा ही बुर्के डिजाइन किए गए हैं। छात्राओं ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। सभी कुछ शालीनता के साथ हुआ। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को कोई भी एतराज होना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।